चाचा चौधरी और भक्ति का फल। एक दिन चाचा चौधरी ने साबू से कहा, साबू थोड़ा सा समय निकाल कर ईश्वर का नाम जपा कर। क्या उससे कुछ फायदा होगा चाचा जी? अरे जरूर होगा, एक राम नाम ही तो है जो आदमी के साथ जाता है। ये सुनकर साबू वहाँ से चल देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी खुले मैदान में जाकर तपस्या शुरू कर देता हूँ। और साबू खुले मैदान में समाधि लगाकर बैठ गया। स्मगलरों का हवाई जहाज। सरदार, आगे एयरपोर्ट पर पुलिस का कड़ा पहरा है। हमारा जहाज अमेरिकन करेंसी से भरा हुआ है, हम पकड़े जाएंगे क्योंकि ये सारे डॉलर चोरी के हैं। ठीक है, तुम ये सारे डॉलर नोट रास्ते में ही फेंक दो और खुद भी पैराशूट से कूद जाओ। मैं एयरपोर्ट पर खाली जहाज उतार दूंगा। पुलिस को जब इसमें कुछ ना मिलेगा तो वो शक पका जाएगी। बाद में मैं तुमसे आ मिलूंगा। डॉलर की गड्डियों को जहाज से फेंका जाने लगा। जब कुछ गड्डियां साबू पर गिरी तो उसकी समाधि भंग हो गई। डॉलर, चाचा जी ने सच ही कहा था कि ईश्वर का स्मरण करने से फायदा होगा। उधर हवाई जहाज पर बदमाश। सरदार, जरा हवाई जहाज को एक चक्कर खिलाना ताकि मैं भी वहीं गिरूं जहां डॉलर गिरे हैं। सरदार हवाई जहाज को चक्कर खिलाता है और वो बदमाश हवाई जहाज से पैराशूट लेकर कूद पड़ता है और सीधा आकर गिरता है साबू के सिर पर। है? साबू उसे अपनी हथेली में उठा लेता है। वाह भगवान, पहले तुमने आसमान से डॉलर बरसाए और फिर खुद भी दर्शन देने आ गए, मेरी तपस्या सफल हुई। है? चाचा चौधरी खाने पर साबू को बुलाने आए तो डॉलर बिखरे हुए देखकर दंग रह गए। डॉलर, ये यहाँ कैसे आए? जरूर ये स्मगलरों का काम है। तभी उनकी नजर साबू पर पड़ती है जो एक आदमी के सामने हाथ जोड़े बैठा होता है। वाह भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। अरे ओ साबू के बच्चे, ये भगवान नहीं स्मगलर है। ये सुनते ही साबू उसको अपनी मुट्ठी में दबोच लेता है। स्मगलर? तो चलो इसे पुलिस के हवाले कर दे चाचा जी।